आपको क्या पता कि आपके भाई ने मुझे क्या कहा है? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरे भाई को कॉल करें। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, वहां चल के बैठते हैं फिर बात करते हैं। इधर नहीं, आप नहीं भाभी, बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट किया आपके भाई ने मेरी। अब मैं यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकूंगी। तानिया मेरी बात सुनो, आने दो तलाल को, मैं खुद उससे बात करूंगी। तुम ऐसे अपना दिल छोटा तो नहीं करो यार। कैसे छोटा ना करूँ? आपको क्या पता कि आपके भाई ने मुझे क्या कहा है? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरे भाई को कॉल करें। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, वहाँ चल के बैठते हैं फिर बात करते हैं। इधर नहीं, आप मेरे भाई को फोन करें। तानिया मेरे साथ तो आओ ना। अच्छा करती हूँ, इधर आओ। पहले आप उनको फोन करें। मैं कर रही हूँ फोन। पता नहीं क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। देखिए ना तुमने, इसीलिए मैं उसके आने से इतना ज्यादा डर रही थी। मुझे तो लाली अभी पे तरस आ रहे हैं। खुदा, अब क्या होगा? चलो पहुंचो। तलाल में तो बर्दाश्त नाम को नहीं है, पराई लड़की को यूं डांटना चाहिए? पता भी है कि बहन के ससुराल का मामला है। पराई बच्ची को भी पराई बन के रहना चाहिए था, इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है, अगर वो मुंह फुलाए इस तरह अपने घर चली गई तो लाली की सास तो तूफान खड़ा कर देगी। और दो दिन रह गए मंगनी में, सैफ भी नहीं आया, ये लोग तो मंगनी का बायकॉट कर देंगे। बहुत बुरा हुआ, अब तलाल से कहो उससे माफी मांग ले ताकि बात यहीं दब जाए। खुर्रम तुम जाके उसे समझाओ ना, तानिया से माफी मांग ले। मेरी गर्दन ज्यादा पतली नजर आ रही है आपको। मुझे तो लाली पर रहम आ रहा है भाई। अच्छा तलाल आ गया? जी आ चुके हैं मोहतरम, कमरे में है। बाय द वे उन्हें भी इस तमाशे की भिनक पड़ चुकी है। उसी का फैलाया हुआ ये सब तमाशा, देखती हूँ जाके समझाती हूँ उसे। तुम चलो ना मेरे साथ। अम्मी मैं क्या करूंगा जाकर, आप जाए ना। शैला तुम चलो मेरे साथ। ना बाबा तुम जाओ, दोनों मिलके समझाएंगे ना। खुर्रम तुम जाओ ना साथ। उठो भी, चलो तुम जाओ, मैं घर चलती हूँ। चलो ठीक है, ओके खुदा हाफिज़। चलो 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 आओ। कमाल करते हैं आप लोग, किस बात की माफी? क्या मैं आप लोगों को उनका ड्राइवर नजर आता हूं जो कि उनकी मर्जी से उनको जगह जगह लिए फिरूं? लाली की खातिर? लाली की खातिर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं सब कुछ। खैर माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाली के ससुराल वाले हिना की मंगनी का बायकॉट कर देंगे। देखो तलाल, अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है, वरना तमाशा बनेगा और लाला रुक की जिंदगी वैसे ही तंग हो जाएगी।